हाय गाइस, आज मैं आपके लिए डॉम्स 24 पेंसिल कलर शेड का जो कलर पेंसिल है इसका रिव्यू करने वाली हूँ और इस पे पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं। ये काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, ये वैक्सी है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और आप इससे इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हो। आप मेरे आगे के वीडियोस में देखोगे मैं इन डॉम्स के कलर पेंसिल को यूज़ करके मेरे फैशन इलस्ट्रेशन में आपको करके बताऊंगी। तो ये 24 शेड्स है कलर पेंसिल और इसमें एक शार्पनर फ्री है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ओशन ग्रीन कलर है इसका मैं आपको कलर करके बताती हूँ। यहाँ मैं काफ़ी लाइट प्रेशर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका पेंटिंग है उसका लुक आप क्रिएट कर सकते हो। आप एक ही पेंसिल से दो डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मेरी पेंसिल थोड़ी सी शार्प करनी पड़ेगी। तरह की लुक क्रिएट कर रही हूँ, एक लाइट शेड और एक डार्क शेड। आप एक ही पेंसिल से दो तरह के शेड क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उस पेंसिल को लेके प्रेस करके एक ही तरह का कलर करो, लाइट शेड भी कर सकते हैं और डार्क शेड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं डार्क शेड यहाँ पे उसके नीचे मैं डार्क शेड कर रही हूँ। ये बहुत ही स्मूथ है। जब मैंने इस पेंसिल को शार्प किया तब भी ये बहुत ही मतलब स्मूथली शार्प हो गई, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। और पेपर पे चलाते टाइम पे भी ये बहुत ही अच्छे से और एकदम सॉफ्टली ये चल रही है पेपर पे भी। अब ये रेड शेड हम देखेंगे, इसका भी मैं आपको दो शेड बता देती हूँ, लाइट शेड और उसके नीचे डार्क शेड। डॉम्स कलर पेंसिल बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नॉर्मली जो कलर पेंसिल्स जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब कुछ एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और कई बार ऐसा होता है कि शेड्स भी उसमें ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत ही कम शेड्स दिए जाते हैं और प्राइस उसका बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन डॉम्स का जो ये वाला पेंसिल का जो सेट है 24 शेड्स का सिर्फ 100 रुपीज़ का है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और आप भी इसे ख़रीद सकते हो। और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है इसी के वाइट कलर पेंसिल से, जो इस पैक में वाइट कलर पेंसिल आती है। अभी आप देखिए, दूसरे कलर पेंसिल जो सेट में वाइट पेंसिल आती है, दूसरे कलर पेंसिल में मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, उनकी वाइट कलर पेंसिल से मैंने ट्राई किया था ब्लेंडिंग करने का लेकिन वो ब्लेंड नहीं हुआ। तो ये एक ख़ास बात और अच्छी बात है डॉम्स के कलर पेंसिल की कि इसमें जो वाइट कलर पेंसिल आती है वो ब्लेंडिंग का भी काम करती है, आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हो उससे। तो आप ज़रूर इस पैक को बाय करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
अगर आप बिगिनर हो तो ये पैक आपके लिए बहुत अच्छा है। और चलिए यहाँ मैं और एक पेंसिल शेड से आपको कलर करके बता देती हूँ। Thank you guys. Bye.